अस्पताल खुश करने के लिए आपको डिस्काउंट देता है, बिना मांगे देता है, लेकिन असल में वो चोरी कर रहा है। और चोरी में डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होगा, जब उसने पहले ही महानगर पालिका के सरकार के नियमों के खिलाफ 15,000 रुपया उसने ज्यादा लगाया हुआ था बिल में, तो उसने 11,000 रुपया देके कौन सा फीस मारा। वो हुआ हुआ, लेकिन उसके बाद अभी जब इनको 4,000 रुपया दिया गया, तब भी उनको ये नहीं बताएगा कि आपका 15,000 निकला था मेरे, आपको ऐसा बताएगा क्या? जी नहीं, हमने मुझे जो पेपर पे साइन करवाया वहाँ पे अमाउंट सिर्फ 4,100 लिखा हुआ था। आपका हमारा काम काम धंधा बंद था, लेकिन एक इंडस्ट्री बराबर चल रही थी, लूट मार इंडस्ट्री बराबर चल रही, आम आदमी का काम बंद था। 18,79,76,988 रुपये का सिर्फ और सिर्फ कैश या चेक का बिजनेस हो, मेडिक्लेम का करोड़ों करोड़ों का होगा वो अलग, वो इसमें है नहीं। और उसका नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हमारे मित्र अहमद अली, इनसे हम चर्चा करेंगे अभी। नमस्कार। नमस्कार। इनसे हम चर्चा करेंगे एक गंभीर विषय जो पिछले करीब 8-10 महीनों से मैं लेके चल रहा हूँ, वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों की लूट का विषय। उस पर ये भी उसके शिकार हो चुके हैं, हालांकि उनका पैसा रिफंड मिला है अभी नहीं, इनके जवान से सुनेंगे अपन और पूरा मामला जानेंगे क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आप सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा, आप मेरी वो रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनिए। और वो रिकॉर्डिंग क्या है इस बारे में आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में बताता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। हेलो। हेलो, नमस्कार मधुकर पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार, यूसुफ अली बोल रहा हूँ, पत्रकार। हाँ हाँ सर जी, बोलिए। पंडित जी, आपका एक प्रकरण था, आपके भाई जो अस्पताल में भर्ती थे विनायका हॉस्पिटल में, हाँ, उनका बिल कुछ ज्यादा था, आपकी ऐसी शिकायत थी, और आप मेरे चैनल पर पहले आके बता चुके थे। ठीक है, तो अभी आपके द्वारा ये सब किए जाने के बाद में, और मैंने जो महानगर पालिका में फॉलो अप किया उसके बाद में, महानगर पालिका ने सभी अस्पतालों को पत्र निकाला और सभी अस्पताल अपना पैसा रिफंड कर रहे हैं। उसमें मेरे पास लिस्ट आई है, विनायका अस्पताल जहाँ पे आपके भाई एडमिट थे वहां से उन्होंने ऐसा, विनायका अस्पताल का ऐसा कहना है महानगर पालिका को, उसने पूरा का पूरा पैसा हर एक पर्सन को रिफंड कर दिया। ठीक है, तो अभी मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके आपका कितना पैसा निकल रहा था और आपको रिफंड मिला क्या अपना? मुझे ऐसी जानकारी मिली कि 1,00,000 के ऊपर कुछ पैसा निकल रहा था, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं। बीच में मैं गया था तो मेरे को सिर्फ 10,000 देके मेरे से लिखवा के 10,000 रुपया दिया था मेरे को, उसके बाद वो तो कुछ मिला नहीं। पिछली बार भी आपने बताया था कि आपको 10,000 रुपया मिला था। हाँ, सिर्फ 10,000 रुपया ही मिले मेरे को। तो उस 10,000 के अलावा आपको कुछ पैसा नहीं मिला है? नहीं नहीं, 10,000 के बाद 1 रुपया भी नहीं मिला। तो आप इस बारे में आगे शिकायत आपने कहीं भी की? और इसके बाद मैं इंक्वायरी किया तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि मेरा 1,00,000 के ऊपर कुछ निकलता है, लेकिन वो अभी तक अस्पताल वाले ने दिया नहीं है, लेकिन अभी वो कैसे प्राप्त होगा वो अभी मेरे को भी जानकारी नहीं उसकी। ठीक है, मुझे ये कंफर्म करना था क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट में तो अस्पताल ऐसा बोल रहा है कि हमने सबका पैसा रिफंड कर दिया। तो मेरे को सिर्फ 10,000 के अलावा 1 रुपया भी नहीं मिला है, सिर्फ 10,000 रुपया ही दिया है। ठीक है, आप महानगर पालिका में एक बार जरूर कांटेक्ट करना, महानगर पालिका में उनको बताना कि सब ऐसा सबका पैसा रिफंड हो रहा है और अस्पताल ने इस तरह से लिस्ट दिया तो आपका क्यों नहीं हुआ। और मैं भी अपनी तरफ से पूछता हूँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुना, अभी इस रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, अहमद अली जी हम 2 मिनट बाद में चर्चा करेंगे जी। ये जो रिकॉर्डिंग है ये एक पेशेंट थे जिनका इंतकाल हो गया था जुलाई 2020 में, जो पहले मेरे चैनल पर आके इनके भाई है मधुकर पंडित, जिनसे जिनका ये आवाज़ है जो इस ऑडियो में बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, ये मेरे चैनल पर पहले आके बोल के गए थे। यही चीज़ उन्होंने बताया था कि उनको 1,00,000 से कुछ ज़्यादा का रिफंड निकल रहा था, लेकिन उनको 10,000 दिया गया था। लेकिन तब से फॉलोअप जारी था और ऐसा उम्मीद थी कि इनको अपना जो पैसा है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। अभी हाल ही में महानगर पालिका ने लिस्ट मुझे
महानगर पालिका से मुझे लिस्ट मिली है। इस लिस्ट में मैंने देखा है तो विनायका अस्पताल का नाम है पंद्रहवें नंबर पे, विनायका अस्पताल का नाम है और उस नाम के सामने इसका रिफंड कुछ भी नहीं है, यानी रिफंड ये है, इसमें पंद्रहवा नंबर का नाम है, इसमें रिफंड उनका कुछ भी नहीं निकलता है। तो मैंने फिर उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछताछ की तो हकीकत आपके सामने है। अब अगर अस्पताल ने उनको पैसा नहीं दिया तो अस्पताल ये डेटा कैसे दिया और महानगर पालिका ने इसको कहाँ पे वेरीफाई किया कि जो बेनिफिशियरी है उस तक पैसा पहुँचा नहीं पहुँचा, ये जिम्मेदार कौन, ये जो है तय कौन करेगा? जब अस्पताल बोल रहा है कि हमने पैसा सबका रिफंड कर दिया और उसके सामने, हाँ ये बात सही है कि उनको 10,000 दिया गया था, ऐसा लिखवा के जबरन ऐसा लिखवाया गया था कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं या खुशी से ले रहे हैं, ऐसा जबरन लिखवाया गया था। कोई भी आम आदमी जिसको आप अगर कुछ लालच दो तो वो लिखेगा, लेकिन शासन के नियमों को इन्होंने तोड़ा था अस्पताल ने। विनायका अस्पताल सीधे सीधे यहाँ पर दोषी है। मैं लगातार मांग उठा रहा हूँ कि इन अस्पतालों के ऊपर, विनायका ही नहीं बाकी के अस्पताल भी, इन अस्पतालों के ऊपर शिष्ट भंग का कार्यवाही होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए और सात रोग अधिनियम जो है उसके तहत मामला दर्ज होना चाहिए। हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं अहमद अली बरवानी वाले, इनसे हम बात कर रहे हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। अहमद अली जी, आप बताइए आपके घर से कौन कहाँ पे एडमिट था, क्या था? जी ज़रूर जी, कुछ महीने पहले ये जब सेकेंड वेव आया था तब हमारी अम्मी, उनको कार्डिनल हॉस्पिटल में डायबिटीज़ के रीज़न से एडमिट किया गया था। मैं एक मिनट अभी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन कार्डिनल हॉस्पिटल को बंगली नाम से मशहूर, बंगली हॉस्पिटल के नाम से मशहूर तौर से जाना जाता है, तो आसानी ये रहेगी हम बंगली हॉस्पिटल बोलें। तो बंगली हॉस्पिटल में आपकी मम्मी को एडमिट किया हुआ था? जी जी, बंगली हॉस्पिटल में एडमिट किया। कितना बिल हुआ, क्या हुआ, बताइए। उनका टोटल बिल जब उन्होंने फाइनल बिल मुझे प्रोवाइड किया तो वो था 1,00,000 के ऊपर। अब वो बिल में उन्होंने बाइफकेशन दिया था कि क्या क्या चीज़ का अमाउंट है, और उसमें बॉटम में उन्होंने बताया था कि 11,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। तो उस हिसाब से टोटल हुआ था अराउंड 98,000-99,000 कुछ हुआ था टोटल। आपने पूरा पेमेंट कर दिया? जी, मैंने पूरा पेमेंट किया था। फिर बाद में आपने कहीं शिकायत वगैरह की, आपको कुछ ऐसा लगा कि आपका पेमेंट ज़्यादा है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने कहीं शिकायत नहीं की। फिर हमें जिस ऐसी जानकारी आई कि आपको कुछ कार्डिनल हॉस्पिटल ने आपको बुलाकर कुछ रिफंड दिया है, तो वो कैसे, क्या प्रोसीजर हुआ, बताइए। जी ज़रूर, मुझे लास्ट मंथ मुझे कार्डिनल से मैसेज आया था कि आपका कुछ अमाउंट रिफंड निकलता है, तो आप कार्डिनल में जाइए, वहाँ पे काउंटर पे जाके आपका फाइनल बिल सबमिट कीजिए और रिफंड ले जाइए। कितना पैसा आपको रिफंड दिया गया, कैसे दिया गया? मुझे रिफ़ंड बताया गया कि मेरा रिफ़ंड अमाउंट है 4,100। मैसेज में तो ऐसे लिखा गया था कि आप बैंक डिटेल लेके जाइए और हॉस्पिटल RTGS करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने जैसे बोला अभी, मैसेज इनको आया उसमें लिखा था कि बैंक जो है RTGS करेगा, लेकिन इनको 4,100 रुपये कैश दिया गया। मैं पहले भी सवाल उठा चुका हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्था हो या कोई भी ऐसी जगह जो गैर सरकारी या सरकारी है, जहाँ पर एक ट्रस्ट हो, वो ट्रस्ट किसी को कैश पैसा दे, ऐसा आज के समय में कहीं पे भी नहीं है। उनको ये बाध्यता है कि वो चेक में या पेमेंट ऑडिट होता है, इसके लिए उनको चेक में या ऑनलाइन तरीके से पेमेंट देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात, जैसा अभी इन्होंने बताया कि इनके माता जी का बिल 98,000 के आसपास बना था, उसमें से इनको 4,000 रुपये रिफंड दिया गया। अभी इनको 4,100 रिफंड दिया गया, मेरी जानकारी ऐसी है कि इनका रिफंड अमाउंट है 15,000 रुपया, इनका रिफंड अमाउंट है 15,000 रुपया। लेकिन चूंकि जैसा इन्होंने अभी बताया कि अस्पताल ने उनको जब बिल, ये जब इन्होंने डिस्चार्ज लिया उसी समय बिल में एडजस्टमेंट करके 11,000 का उनको डिस्काउंट दिया था, तो वो डिस्काउंट लेस करके इनको 4,000 कैश दिया गया। अब आप इस चीज को समझिए कि कोई भी एक अस्पताल जो है, वहाँ पर पेशेंट भर्ती होता है, जब डिस्चार्ज होता है तब अस्पताल खुश करने के लिए आपको डिस्काउंट देता है, बिना मांगे देता है, लेकिन असल में वो चोरी कर रहा है। और चोरी में डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट हो गया?
जब उसने पहले ही महानगर पालिका के सरकार के नियमों के खिलाफ 15,000 रुपया उसने ज्यादा लगाया हुआ था बिल में, तो उसने 11,000 रुपया देके कौन सा तीर मार दिया, वो हुआ हुआ। लेकिन उसके बाद अभी जब इनको 4,000 रुपया दिया गया तब भी उनको यह नहीं बताया गया कि आपका 15,000 निकाला था हम एडजस्टमेंट, आपको ऐसा बताया गया क्या? जी नहीं, उन्होंने मुझे जो पेपर पे साइन करवाया वहां पे अमाउंट सिर्फ 4,100 लिखा हुआ था। ये शायद पैसा दोबारा नहीं मांगते थे क्योंकि वो डिस्काउंट मिल चुका था, लेकिन ये तरीका गलत है। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ, ये जो लिस्ट में भी आपको दिखा रहा था। कार्डिनल हॉस्पिटल की हम बात करें, सबसे पहले कार्डिनल की बात करेंगे तो कार्डिनल में 395 पेशेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव में मिलाकर 395 पेशेंट भर्ती हुए, जिनका बिलिंग हुआ 6,67,08,250 रुपया। एक बार फिर से कहूंगा, 6,67,08,250 रुपया। इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो प्रति पेशेंट 1,68,882 रुपया ये बनता है एक बिल का। ये हम एवरेज निकाल रहे हैं समझने के लिए। रिफंड जो था अमाउंट, वो रिफंड था 1,27,58,875। ये 1,27,875,000 रुपये जो रिफंड दिखाई दे रहा है, वो रिफंड अभी भी महानगर पालिका के जो डेटा है, जो महानगर पालिका के जो रिकॉर्ड है, उसमें अभी भी वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे भी अहमद अली जी सामने बैठे हैं, इन्होंने बोला इनको 4,000 मिला, ऐसे कई लोगों को कार्डिनल हॉस्पिटल पैसा दे चुका है, लेकिन तब भी वो उसकी एंट्री महानगर पालिका को नहीं दे रहा है। क्यों? क्या इसमें बड़ी बड़ा झोल है? ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। महानगर पालिका क्यों ऐसे अस्पतालों के ऊपर कार्यवाही नहीं कर रही है? दूसरा, मैं आपको पूरा डेटा जो हाथ में है वो दिखा रहा हूं। कुल कोविड में, कोविड फर्स्ट और सेकंड दोनों में, ये लिस्ट के आधार पर, अच्छा ये लिस्ट आपको ये भी बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं, ये लिस्ट सिर्फ उन पेशेंट की है जिन्होंने पैसा कैश या चेक से दिया है, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस था, मेडिक्लेम था, वो इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे कुल 1,651 पेशेंट थे वसे विरार महानगर पालिका में, ये इस लिस्ट के आधार पर। टोटल अस्पतालों की संख्या है 42, 9 प्रभाग ABCDEFGHI, 9 प्रभाग में 42 अस्पतालों में 1,650 लोग भर्ती हुए, उनका 18,79,76,988 रुपए का बिलिंग हुआ। सोचिए आप, कोविड में कितना बिजनेस हुआ है। आपका हमारा काम धंधा बंद था, लेकिन एक इंडस्ट्री बराबर चल रही थी, लूटमार इंडस्ट्री बराबर चल रही थी, आम आदमी का काम बंद था। 18 करोड़, फिर से बोलता हूं, 18,79,76,988 रुपए का सिर्फ और सिर्फ कैश या चेक का बिजनेस हुआ। मेडिक्लेम का करोड़ों करोड़ों का होगा वो अलग, वो इसमें है नहीं, और उसका डेटा किसके पास भी नहीं है। महानगर पालिका ने भी उसका ऑडिट नहीं किया, महानगर पालिका के पास भी उसका डेटा नहीं है। इस 18 करोड़ में से 2,90,95,309 रुपए का रिफंड महानगर पालिका की ऑडिट कमेटी के हिसाब से बनता है, जो करीब करीब बिल का 15.5% है। यानी समझिए आप इस चीज को, अगर किसी का 1,00,000 का बिल बनाया गया है तो सीधे सीधे 15,000 रुपये उसमें उन्होंने पहले ही ज्यादा लगाया है अस्पतालों ने। ये एवरेज 15.5% बिलिंग जो है ना, वो ऑडिट में ज्यादा निकली है। इस 2,90,95,309 में से 1,16,08,395 रुपया अभी तक लोगों का रिफंड हो गया है इस शीट के आधार पर। हालांकि मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाया, ऐसे बोगस कितने होंगे वो नहीं मालूम, क्योंकि इसमें तो वो नील दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पैसा उस बेनिफिशियरी के पास पहुंचा नहीं है। और अभी भी जिसमें कार्डिनल का 1,27,00,000 शामिल है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1,27,00,000 इसमें है, लेकिन कार्डिनल पैसा रिफंड कर चुका है तो इतना नहीं होगा, लेकिन वो ही डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो हम जो ये डिटेल है उसी को आधार मान के चलते थे, 1,74,06,000
86,914 रुपये अभी भी रिफंड लोगों का निकल रहा है, 2.25 करोड़ का रिफंड अभी भी निकल रहा है, और इसके बावजूद आज 8 महीने से 10 महीने से ज्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री महोदय को कंप्लेन की जा चुकी है, राज्यपाल महोदय को कंप्लेन की जा चुकी है, लोकायुक्त तक को कंप्लेन की गई है, मानवाधिकार आयोग में तक कंप्लेन गई है, उसके बावजूद वसई विरार महानगर पालिका इन अस्पतालों को क्या हित संबंध है कि इन पर कार्यवाही नहीं कर रही है? क्या यह 2.25 करोड़ जो बाकी है महानगर पालिका अधिकारियों के जेब में डाले इन्होंने? ऐसा ही महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। नहीं तो अब तक महानगर पालिका इन अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके इन अस्पतालों के ऊपर गुनाह दर्ज करवा चुकी होती। मैंने पीछे पहले भी कहा है, आम आदमी के चेहरे पे मास्क नहीं होता है तो महानगर पालिका मार्शल पहुंच जाते हैं, 500 रुपया दंड वसूल करते हैं। क्या सिर्फ हर कानून हर नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या बड़े माफिया लोग किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते? यह डेटा आपको मैंने दिखाया, इसमें 18 करोड़ का यह सिर्फ कैश का आ रहा है। आप समझिए जिसका मेडिक्लेम था ऐसा कितना, तो सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका, वसई तालुका भी अलग है, वो जिले के अंतर्गत आता है। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस इस कोविड पीरियड में अस्पतालों ने किया है। मैं बिजनेस बोला हूं लेकिन जिम्मेदारी से बोलता हूं, लूट किया है। महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको मालूम पड़े, हकीकत तो उनके पास है, उन्हीं से लिया है मैंने। एक दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा, खत्म करता हूं उससे पहले। जैसा मैंने आपको कार्डिनल का बताया परसेंटेज, के कार्डिनल में एक पेशेंट से 1,68,882 रुपया एवरेज वसूला गया, वैसा विनायका का ये जो आंकड़ा है 1,85,782। विनायका में कुल 45 पेशेंट भर्ती थे, उसका 8 करोड़ उसका 83,60,202 रुपया बिल बना हुआ है। ये लगा क्या रखा है? वाणी अस्पताल, इसमें एक आदमी का एवरेज 1,45,625 का बिल, जिस बीमारी का इलाज नहीं है, जिस बीमारी की कोई दवा नहीं है, उसके लिए कितनी लूट हो रही है, ये चीज आपको मैंने बताई है। आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। अहमद अली जी, आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने आपका। हमारी मदद की, मेरी नहीं आम लोगों की, जनता की मदद की, ताकि इन सच्चाइयों को मैं पब्लिक के सामने रख सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।